Good morning, my dear student. Today I am going to teach you exercise 4.1. Okay, multiples and factors. Now the question number first. Write down three multiples of each of the following numbers. ठीक? तो क्या होगा इसका? One, 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 one. It means कि आपको three multiples, यानी कि कोई भी three multiples आपको each of the following number, जितने भी numbers दे रखे हैं एक्सरसाइज में ए बी, तो मैंने ए नंबर आपको बताया हुआ है कि आपको ये वाला नंबर सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, ठीक है? तो इसमें अगर थ्री मल्टीपल्स का है, थ्री मल्टीपल्स का नंबर तो मतलब कि कोई भी थ्री नंबर्स, तो मैंने टू थ्री फोर को ले लिया, क्योंकि वन तो इटसेल्फ खुद के नंबर से हो गए, मगर टू थ्री फोर इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि इवन की और अगर इवन नंबर्स दे रखे होते तो टू सिक्स फोर इस तरीके से टू फोर सिक्स, एंड अगर ऑड नंबर 1, 3, 5, 3, 5, 8, 3, 5, 9 इस तरीके से ऑड नंबर्स, लेकिन इसमें कहा गया है कि राइट डाउन थ्री मल्टीपल्स, यानी कि थ्री मल्टीपल्स कोई भी आप ले सकते हैं, तो थ्री मल्टीपल्स आपको लेना था, मैंने टू से ले लिया, थ्री से ले लिया, फोर से ले लिया, ठीक है? तो पहले टू से कराया तो देखिए सभी का टू आ गया, थ्री से कराया तो सभी का थ्री आ गया, फोर से कराया तो सभी का फोर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी होगा जो 2, 3, 9, 1 से इसमें भी 2, 3, 4 का ही मल्टीपल, क्योंकि कहा गया है कि राइट ऑफ थ्री मल्टीपल्स ईच ऑफ, मतलब थ्री मल्टीपल्स सब में करने हैं, ठीक है? और किसी भी नंबर का अगर उसमें इवन ऑड का दे रखा हो तो इवन ऑड करते हैं, तो आप सिंपल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा गया है राइट ऑफ द थ्री फैक्टर्स अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है? तो देखिए फैक्टर्स रहेगा, तो मैंने क्या किया सबसे पहले इसको फैक्टर्स निकालिए, इसके बाद जिस एक खुद को अपने टेबल से देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें थ्री फैक्टर्स कह रहे हैं तो मैंने सिर्फ थ्री फैक्टर्स निकाले, अगर उसको कहते कि सारे फैक्टर्स निकालिए तो क्या करते हम इसको 1, 3, 1 को भी सॉल्व करते, लेकिन ये कहा गया है कि बस थ्री फैक्टर्स निकालिए, तो देखिए मैंने इसको फैक्टर्स किए तो 2, 5, 10 इसके थ्री फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है? अगर फोर फैक्टर्स कहते हैं तो फोर फैक्टर्स, या ऑल फैक्टर्स कहते हैं तो ऑल फैक्टर्स निकालते हैं, जितने भी फैक्टर्स कहते हैं उतने ही निकालते हैं, मतलब कि इसका फैक्टर करना ये किस टेबल से डिविजिबल है और जितने टाइम्स कहना है उतने ही टाइम्स आपको निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या गया, फाइंड ऑल फैक्टर्स, देखिए इसमें क्या गया कि फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर 28, ठीक है? कि मतलब सारे फैक्टर्स निकालने हैं आपको, यानी अभी तक इसमें क्या था टू फैक्टर्स थ्री फैक्टर्स, अब इसमें क्या है ऑल फैक्टर्स, ठीक है? तो ऑल फैक्टर्स देखिए आप 28 के जो भी फैक्टर्स हैं, जो जिससे जिससे ये डिविजिबल हो रहा हो वो आपको इसमें निकालने होंगे। तो देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 7 से भी, 14 14 से और 28 से, इट मींस कि ये सभी से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसलिए ये 28 सभी से डिविजिबल है। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट करनी है, जो भी प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस करिए और इसके बाद अच्छे से लगाइए, ठीक है? आई होप बच्चों सभी लोग अच्छे से लगाइएगा।